इससे पहले उसने गलत कहा भी क्या आज तक, वो अच्छी बात भी कही है देश के लिए। जो भी लफ्ज निकलती है वो गलती निकलती है। हमारे कुरान और हदीस के अंदर भी ये लिखा है, मई जमीन, जमीन मेरी माँ है, भारत हम इस देश के रहने वाले, हम इस देश का नाम नहीं लेंगे, जमीन का नाम नहीं लेंगे, जिससे कि हम खाते हैं पीते हैं, सोना चांदी खाना पीना जो इस मई जमीन से है। और जब इंसान की मौत होती है तो इसी मिट्टी के अंदर दफनाया जाता है, यही मिट्टी, ये मई जमीन ही उसको कवर करती है, इसका नाम नहीं लेंगे। तो जैसे बोलते हैं भारत माता की, देखो उसमें समझने में ये चीज़ गलत आ रही है। भारत माता की चाहे सलाम कहो या जय हिंद कहो, बात एक ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है। उसकी सोच गलत है, वो ये चीज़ इसलिए फैला रही है कि एक जहर हिंदुस्तान के अंदर के जहर फैलाने के लिए, कि ये नहीं बोलना ये नहीं बोलना। वो कौन सी कौन सा कुरान पढ़ रही है मेहबूबा मुफ्ती? इस देश के अंदर जो भी आज तक, देखो मैं अरसद रहा से मेरी ये बात बंद कर दी, कि इस देश के अंदर आज तक कश्मीर के अंदर खासकर श्रीनगर के अंदर जो कत्लेआम खून की नदियां बह रही हैं, किसके मैच बह रही हैं, इन बातों पे बह रही हैं या और किसी बात से? तो इसलिए इनको चाहिए ये बात बंद करें। तो अगर अल्लाह ने इज्जत बख्शी है तो आपको कोई अगर सीट मिलती है, अच्छे काम करने से मिलती है, आपके अच्छे काम ने किए तो आपकी सीट छूट गई, अभी दोबारा मिलना नामुमकिन है, मैंने सोचा कि दोबारा उसको मिल जाए, मगर इतना कि अच्छे काम करो तो बुरे काम छोड़ो और गरीब लोगों की गर्दनें मत कटाओ। तो फिर मेहबूबा मुफ्ती जो बयान दे रही है ये गलत बयान है कि ये नहीं बोलना ये नहीं बोलना, यहाँ हिंदुस्तान के अंदर ये हम इस देश के रहने वाले, हम जो चाय साए हम जय माता की बोलें, भारत माता की बोलें, अस्सलाम वालेकुम कहें, वालेकुम सलाम कहें, कलमा पढ़ें, कुरान पढ़ें, हदीस पढ़ें, कोई मनाही नहीं यहाँ पे, ये देश ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर कोई किसी को टोक टकाई नहीं कर सकता, ना उसकी इतनी हिम्मत की टोक टकाई दूसरे को दे के ये नहीं बोला ये नहीं बोला।